दोस्तों आज हम बैक्टीरिया, वायरस और इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कैसे होम्योपैथी हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। एट द एंड डाइट टिप्स टू इंक्रीज इम्यूनिटी थ्रू होम रेमेडीज। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वसीम चौधरी, फाउंडर ऑफ होम्यो केयर क्लिनिक पुणे। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया वायरसेस आर नॉट द कॉज ऑफ द डिजीज बट दे आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिजीज प्रोसेस। बैक्टीरिया वायरसेस कम्स एट अ लेटर स्टेज ऑफ द डिजीज। इनिशियली हमारी बॉडी वीक पड़ती है, इंटरनली बीमारी फील होती है, हमारा इम्यून सिस्टम पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस के लिए इम्यून हो जाता है और वायरस अटैक करता है। नॉर्मल एनवायरनमेंट में कई बैक्टीरिया और वायरस हमारे आसपास है, कई तो हमारे बॉडी के अंदर भी है। अगर हमें इन बैक्टीरिया और वायरसेस से बचना है तो हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस कोरोना के दौर में जितनी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उतना ही हम इससे फाइट कर पाएंगे या बच पाएंगे। इम्यूनिटी और होम्योपैथी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम जानेंगे एलोपैथिक में इसका क्या इलाज है। जनरली एलोपैथिक में बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करने की कोशिश की जाती है, पर ज़्यादातर अब वायरसेस और बैक्टीरिया इनको रेजिस्टेंस हो चुके हैं, इनइफेक्टिव हो चुके हैं या फिर लेस इफेक्टिव हो चुके हैं। अब हम होम्योपैथी के बारे में बात करते हैं। होम्योपैथिक में कोई एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है। हमारी दवाइयाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं कि बैक्टीरिया और वायरसेस अफेक्ट नहीं कर पाते हैं और जो डिरेंज इम्यूनिटी या फिर वीक इम्यूनिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं। इस टाइप के ट्रीटमेंट को क्लासिकल कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कहा जाता है। इससे जो एट प्रेजेंट डिजीज है वो भी कवर हो जाता है, इन फ्यूचर डिजीज ना हो उसके लिए भी इफेक्टिव रहता है। इस टाइप के ट्रीटमेंट को क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। बात करते हैं कैसे नेचुरल होम रेमेडीज, फूड प्रोडक्ट्स, एक्सरसाइज और योगासन से कैसे अपना इम्यूनिटी इम्प्रूव कर सकते हैं और इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में बच सकते हैं। आमतौर पर हम हल्दी, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, दालचीनी, ये सब चीज़ें हमारे खाने में यूज़ कर सकते हैं। अगर इसी को हम अगर हर्बल टी के फॉर्म में बनाएं या फिर काढ़े के फॉर्म में बनाएं तो वो एक इम्यूनिटी इम्प्रूव करने में मदद करता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए खाने में कुछ विटामिन की ज़रूरत है, जैसे विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, मिनरल्स लाइक फॉलिक एसिड, आयरन, जिंक, सेलेनियम। ये सारी चीज़ें हमारे खाने में होना ज़रूरी है और वो ग्रीन वेजिटेबल से हमें मिलती हैं। इसके अलावा विटामिन सी का हमारा इम्यूनिटी इंक्रीज करने में बहुत बड़ा रोल है, जिसको हम अपने डाइट में शामिल करने के लिए खट्टे फ्रूट्स, ऑरेंज, स्वीट लाइम, लेमन, कीवी, आंवला फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। मिनरल्स और प्रोटीन को इंक्लूड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स, पनीर, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग इंक्लूड होना चाहिए। खाने के अलावा हमें एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन को रिड्यूस करती है और लंग्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइज को इम्प्रूव करती है। डेली 20-30 मिनट्स वॉकिंग करना ज़रूरी है। योगासन भी हमारे मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करने में और मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह से हम थ्रू होम्योपैथी एंड थ्रू होम रेमेडीज अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं।